अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टॉन्सल्स की इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको मेडिकल की टर्म में टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉन्सल्स क्या होते हैं, इनकी इन्फेक्शन क्यों होती है और इसको आप घर पे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और वो कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को टॉन्सल्स के ऑपरेशन से बचा सकते हैं। हर इंसान के गले में पैदाइशी तौर पर ही दो हदूद मौजूद होते हैं जिनको टॉन्सल्स कहा जाता है। ये बेसिकली इंसानी जिस्म का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसा एलर्जन जो कि हमें इन्फेक्शन कर सकता है, ये उसके खिलाफ काम करता है। बचपन में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसका ये सबसे अहम जुज्व होता है, क्योंकि बाकी जो इम्यून सिस्टम्स होते हैं वो अभी इतने डेवलप नहीं हुए होते, इसलिए बचपन में टॉन्सल्स की जो अफादियत होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी अफादियत जो है वो कम होती जाती है, लेकिन फिर भी इनकी फादियत कभी भी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं कि टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सल्स की इन्फेक्शन क्यों होती है। इसकी तीन वजूहत हो सकती हैं। एक तो हाई बैक्टीरियल या वायरल लोड है, कि अगर आपके मुंह के रास्ते से ज्यादा बैक्टीरिया या वायरस इंटर हो रहे हो तो फिर उसकी वजह से टॉन्सल्स की सोजश या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। दूसरा एक नेचुरल रिस्पॉन्स भी है कि जब भी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरन बॉडी आती है तो उस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तीसरी वजह यह हो सकती है कि ये इसी तरह ही है जैसे कि गुड और इवल की लड़ाई हो, कि बैक्टीरिया और वायरस जो है वो इवल है और हमारे टॉन्सल जो है वो गुड का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इस गुड और इवल की लड़ाई के दरमियान में कभी कभी इवल की जीत भी हो जाती है, कि बैक्टीरिया और वायरस इतनी ज्यादा तादाद में हो कि टॉन्सल्स उनको काबू ना कर सकें, उस वजह से फिर उनकी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अब बात करते हैं कि टॉन्सल्स की इन्फेक्शन की अलामत क्या होते हैं। ज्यादातर टॉन्सल्स की इन्फेक्शन गले में हल्की फुल्की दर्द से या इचिंग से स्टार्ट होती है। इसके बाद खाना निगलने में या पानी निगलने में आपको तकलीफ का सामना हो सकता है। इसके अलावा कान में दर्द, बुखार या थकावट जैसी अलामत भी हो सकती हैं। तशखीस के लिए किसी टेस्ट की खास जरूरत नहीं होती। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपका गला ओपन करके टॉर्च के जरिए से देख सकते हैं कि टॉन्सल्स इन्फ्लेम्ड हैं, रेड है और इनके अंदर अगर पस बनी है तो इससे फिर डायग्नोज हो जाता है कि किसी शख्स को टॉन्सिलाइटिस का मसला है। अब बात करते हैं कि हम इसका इलाज कैसे करते हैं। ज्यादातर केसेस को हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टॉन्सिलाइटिस के जो केसेस हैं वो वायरल इलनेस की वजह से होते हैं। तो वायरल इलनेस के अंदर आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ गर्म पानी पीना है, सूप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म चाय वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने हॉट लिक्विड्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने नमक वाले गर्म पानी के गरारे करने हैं। बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, बस नीम गर्म पानी के अंदर आप एक चम्मच नमक का डाल के उसके गरारे करें। इससे जो आपके टॉन्सल्स की इन्फ्लेमेशन है, उनकी जो दर्द है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा आप थ्रोट लोजेंजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आम जुबान में चूसने वाली गोलियां कहा जाता है। इसके अलावा आपने ये एक एहतियात करनी होती है, ना सिर्फ टॉन्सिलाइटिस में, जब भी आपको बुखार हो, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो, तो पानी की कमी से अपने आप को बचाना होता है, क्योंकि फीवर जब भी होगा, जब भी इन्फेक्शन होगी तो बॉडी से पानी का लॉस होता है। तो ऐसी सूरत में आम रूटीन से थोड़ा ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना होता है। तो इस केस में भी आपने कोशिश करनी है कि पानी का सही इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा आप पेन के लिए आप ओवर द काउंटर कोई भी पेन किलर, पैरासीटामोल या ब्रूफन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना होता है कि आपको उस ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है। कुछ केसेस में हमें एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन है उसकी वजह से आपके गुर्दे भी मुतासर हो सकते हैं, आपके जो दिल के वैल्व हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो रहा हो या उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही हो, खाने पीने में मुश्किल आ रही हो, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर के मशवरे से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो अनट्रीटेड थ्रोट इन्फेक्शन होता है, टॉन्सल्स का इन्फेक्शन होता है, उससे ये बैक्टीरिया आपके दिल के वैल्व्स के ऊपर भी असर कर सकते हैं, आपके गुर्दों की खराबी का भी बायस बन सकते हैं, और ये वो ऐसी कंडीशंस होती हैं फिर मोस्टली केसेस में लाइफ लॉन्ग रहती हैं, तो ये एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में बात करते हैं कि सर्जरी किन लोगों को करानी चाहिए और आप सर्जरी से अगर बचना चाहते हैं तो आपको क्या एहतियातों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं, जिन लोगों को बार बार गले की खराबी का मसला होता है, तो उसमें अपनी हैंड हाइजीन बहुत अच्छी रखें और ऐसे लोग जिनको गले का इन्फेक्शन होता है उनसे मिलने से थोड़ा अवॉइड करें। इसमें कोई भी एम्बेरेसमेंट की बात नहीं है, जाहिर है कि हमारा जिस तरह का कल्चर है हम घुल मिल के रहते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स का गला खराब है, किसी शख्स को गले की इन्फेक्शन है, तो आप कुछ दिन के लिए उससे मिलने से थोड़ा अवॉइड करें। बल्कि जिस शख्स का गला खराब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दूसरों से मिलने से थोड़ा अवॉइड करें, मास्क का इस्तेमाल करें, उनको बता दें कि भाई मेरा गला खराब है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको
इन्फेक्शन हो। तो पहली चीज तो ये है कि आपने अपने हैंड हाइजीन को अच्छा रखना है और जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनसे थोड़ा अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे हेल्दी जो लाइफस्टाइल है ना वो हर केस के अंदर हेल्पफुल है, चाहे किसी को दिल का मसला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गले की खराबी है, हर केस के अंदर हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल में चार चीजें आपने जहन में रखनी है। एक तो स्ट्रेस को कम से कम करना है, नींद को 6 से 8 घंटे कम से कम लेना है, इसके बाद हेल्दी डाइट खानी है और एक्सरसाइज करनी है। ये चार चीजें आपको हर केस के अंदर हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा अर्ली ट्रीटमेंट भी आपको सर्जरी से बचा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है और अगर बैक्टीरियल हो रहा है वो टाइमली अगर अपना ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो फिर होपफुली उनका जो इन्फेक्शन है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्रॉनिक इन्फेक्शन से मुराद ये होती है कि किसी शख्स को बार बार गले का इन्फेक्शन हो रहा हो, उसके जो गले के गिर्द वदूद हैं जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं उनकी स्वेलिंग हो जाए, अगर किसी शख्स को 1 साल के अंदर 7 या उससे ज़्यादा दफ़ा इन्फेक्शन हो, या 2 साल तक लगातार हर साल 5 दफ़ा इन्फेक्शन हो, या 3 साल तक हर साल लगातार 3 दफ़ा इन्फेक्शन हो, तो ऐसी सूरत में फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गले में दर्द रह रहा हो, जिनको खाना खाने में, पानी वगैरह निकलने में भी आता मुश्किल आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन बच जाती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉन्सल्स के बारे में अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप अपने आप को टॉन्सल्स की इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, इसको आपने कैसे ट्रीट करना है और किन मरीजों को आखिर में सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ता है। वैसे भी जब आपकी एज 12 ईयर से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद टॉन्सल्स का हमारी इम्यूनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल रह नहीं जाता। वीडियोज़ को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।